नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं अंशिकी जड़िया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे सोनू सूद के बारे में, जानेंगे ड्रीम गर्ल 2 पर नए अपडेट के बारे में, रणवीर दीपिका के कौन सी वीडियो हो रही है वायरल और जानेंगे बॉलीवुड जगत की 10 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज का सामना कर रहे हैं। उनकी पिछली तीनों फिल्में 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। हाल ही में थिएटर पहुंची रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने भी पहले दिन दर्शकों को खास इम्प्रेस नहीं किया, जिसके बाद एक्टर काफी आलोचनाओं का भी सामना कर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी फिल्म स्टार रणवीर सिंह पर करारा तंज कसा है। यही नहीं, उन्होंने एक्टर को करण जौहर की संगति से भी दूर रहने की सलाह दी है। बॉलीवुड सितारों को लेकर अक्सर हमलावर रहने वाली अदाकारा कंगना का ताजा शिकार रणवीर सिंह बन चुके हैं। उन्होंने रणवीर सिंह की मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर एक्टर पर तंज कसते हुए कहा है, मेरी रणवीर सिंह को लेकर एक ईमानदार सलाह ये है कि वो करण जौहर और उनके ड्रेसिंग सेंस से आकर्षित होना बंद करें। उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह तैयार होना चाहिए, जैसे धर्म जी और विनोद खन्ना जी अपने दौर में तैयार हुआ करते थे। बता दें कि एक्ट्रेस का स्टेटमेंट अब काफी तेजी से वायरल हो गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिल्मों की रिलीज डेट विवादों के चलते आगे बढ़ा दी जाती है। पिछले कुछ दिनों से अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की फिल्म OMG 2 की रिलीज डेट को आगे बढ़ाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म में 20 कट लगाने के साथ ही इसे एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने के लिए कहा है। फिल्म के मेकर्स शायद अब इस फिल्म को 11 अगस्त को रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन फिल्म से जुड़े बेहद करीबी सूत्रों के अनुसार फिल्म तय दिन यानी कि 11 अगस्त को ही रिलीज होगी। तारीख में मेकर्स फिलहाल कोई बदलाव नहीं करेंगे। मेकर्स ने थिएटर में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के दौरान भी इस फिल्म का सेंसर सर्टिफाइड टीजर ये लिखकर चलाया कि मेन फिल्म येट टू बी सर्टिफाइड, यानी कि मुख्य फिल्म को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म अपनी तय की गई डेट पर ही रिलीज की जाएगी। अभिनेता सोनू सूद को हिंदी सिनेमा में सिर्फ उनके उम्दा अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि नेक कामों के लिए भी जाना जाता है। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान जिस तरह सोनू सूद ने मुश्किल में फंसे लोगों की मदद की थी, तब से ही वो उनके लिए मसीहा बन गए थे। कल यानी कि 30 जुलाई को सोनू सूद का जन्मदिन था और इस खास मौके पर सोनू सूद ने अपना कुछ समय अपने चाहने वालों के साथ ही बिताया। अपने फेवरेट एक्टर के जन्मदिन पर फैंस ने उन पर फूल भी बरसाए। बाद में सोनू सूद अपनी कार से उतरे और भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वो सभी के साथ सेल्फी क्लिक कराते हुए भी दिखाई दिए। लोगों ने उन्हें तोहफे भी दिए। बता दें कि एक्टर के बर्थडे का ये वीडियो अब इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो गया है और लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल ने फैंस के दिलों के तार छेड़ दिए थे। ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई थी और इसमें पूजा बने आयुष्मान खुराना फैंस के दिलों पर छा गए थे। अब ड्रीम गर्ल 2 का दर्शकों को काफी बेसब्री से इंतजार है। आयुष्मान खुराना ने ड्रीम गर्ल 2 के जरिए अपनी पहली झलक दर्शकों को दिखा दी है। अब अभिनेता ने घोषणा की है कि ड्रीम गर्ल 2 का टीजर आज रात जारी होने वाला है। आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा की फिल्म ड्रीम गर्ल साल 2019 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने लोगों का जमकर एंटरटेनमेंट भी किया था। अब फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना के साथ अनन्या पांडे नजर आने वाली हैं। फिल्म ड्रीम गर्ल का डायरेक्शन राज ने किया था और फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का भी डायरेक्शन वही कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल की तरह ही क्या ड्रीम गर्ल 2 भी लोगों को उतना ही एंटरटेन कर पाती है कि नहीं। फिलहाल फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस फिल्म में वो सबसे अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। बीते दिनों जवान का प्रीव्यू रिलीज किया गया था, जिसे फैंस ने खूब पसंद भी किया था। इसके बाद जवान का थीम सॉन्ग रिलीज किया गया, इसे भी लोगों ने काफी पसंद किया। अब फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच मेकर्स ने इस फिल्म के पहले गाने की घोषणा कर दी थी। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पहला गाना जिंदा बंदा का रिलीज डेट और टाइम भी बता दिया था, जिसके बाद से ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। बता दें कि शाहरुख खान के इस नए गाने की चर्चा इंटरनेट वर्ल्ड में हो रही है और लोगों को भी ये गाना काफी पसंद आ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि SRK की मोस्ट अवेटेड फिल्म इसी साल 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की
फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। रणवीर सिंह के इस फिल्म ने पहले दो दिन में 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसी बीच रणवीर सिंह का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रणवीर सिंह के साथ उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण भी नजर आ रही है। रणवीर और दीपिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो चुका है। कपल का ये वीडियो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। दरअसल इस वीडियो में दीपिका रणवीर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने को एंजॉय करती नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो रणवीर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। फैंस के साथ साथ अब आलिया भट्ट का रिएक्शन भी इस वीडियो पर सामने आ चुका है। कपल की इस वीडियो पर आलिया ने बहुत सारे इमोजी के साथ कमेंट किया है, जिसे फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं। साउथ के जाने माने अभिनेता राघव लॉरेंस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 को लेकर लाइमलाइट में हैं। एक्टर के फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। अब इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने फैंस की बेताबी को और बढ़ाते हुए चंद्रमुखी 2 से राघव लॉरेंस का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। फिल्म का पोस्टर आज यानी कि 31 जुलाई को सुबह 10 बजे रिलीज भी हो चुका है। इसके साथ ही फिल्म के रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका है। फिल्म के निर्माताओं ने ट्विटर पर चंद्रमुखी 2 का पोस्टर शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। कंगना रनौत और राघव लॉरेंस स्टारर ये फिल्म को गणेश चतुर्थी के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है, तब से ही सिनेमा प्रेमी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और काफी एक्साइटेड भी हैं। बता दें कि पी बासु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राघव लॉरेंस लीड रोल में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री नौरा फतेही 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आज यानी कि 31 जुलाई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंची। नौरा फतेही से इस मामले में पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नौरा फतेही ईडी के निशाने पर है। ईडी अब तक कई दफा उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नौरा फतेही पर सुकेश चंद्रशेखर से महंगे तोहफे लेने का आरोप है। सुकेश चंद्रशेखर केस और 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में बॉलीवुड की एक्ट्रेस नौरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम शामिल है। ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि जैकलिन फर्नांडिस और नौरा फतेही ने सुकेश से कई महंगे तोहफे लिए हैं। साथ ही ईडी ने कहा था कि दिसंबर 2020 में नौरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर से BMW कार उपहार में ली थी, जो महबूब खान के नाम से रजिस्टर्ड थी। हालांकि इस मामले में जैकलिन फर्नांडिस को जमानत मिल चुकी है। रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 दिन ब दिन काफी मजेदार होता जा रहा है। वहीं इसी बीच खबर ये है कि शो से टीवी की एक और हसीना का पत्ता साफ हो गया है। जी हां, पहले एलिमिनेशन में टीवी की पॉपुलर बहू रूही चतुर्वेदी का एविक्शन हो चुका है, जिसके बाद अब टीवी की एक और फेमस बहू को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, टीवी जगत की चर्चित अभिनेत्री अंजुम फकीर को शो से बाहर कर दिया गया है। एक्ट्रेस को पॉपुलर टीवी शो कुंडली भाग्य से घर घर में पहचान मिली थी। अपने दमदार एक्टिंग से उन्होंने फैंस का दिल जीता था। इसके बाद एक्ट्रेस टीवी के खतरनाक स्टंट रियालिटी शो में नजर आई। शो में बने रहने के दौरान उन्हें कई खतरनाक स्टंट करते भी देखा गया था, पर अब एक्ट्रेस को शो के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कियारा आडवाणी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने काफी कम समय में मेहनत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने 2014 में बॉलीवुड फिल्म फगली से डेब्यू किया था। कियारा आडवाणी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में साक्षी सिंह धोनी का रोल निभाकर सुर्खियों में आ गई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कियारा आडवाणी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इसी खास मौके पर उनके कुछ खास रोल्स की बात करें तो एक्ट्रेस की फिल्म भूल भुलैया 2 को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। कियारा लव स्टोरीज कलंक कबीर सिंह और गुड न्यूज में भी नजर आ चुकी हैं, जिसमें उनके किरदार की काफी तारीफ भी हुई थी और आज भी उनके ये किरदार लोगों को खूब पसंद आते हैं। बात करें कियारा के नेटवर्थ की तो वो लगभग $3 मिलियन की मालकिन है, यानी कि भारतीय करेंसी में कियारा के पास 22 करोड़ की संपत्ति है। प्रोफेशनल साइड की बात करें तो एक्ट्रेस को हाल ही में सत्यप्रेम की कथा में देखा गया था, जिसमें वो कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट नजर आई थी। तो ये थी बॉलीवुड जगत की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।